अब ध्यान सुनना भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ तुम लोग डॉट प्रोडक्ट समझते हो? ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज वेक्टर ए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, वेक्टर बी ए थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फाइव के कैप। अगर मैं कहता हूँ ए डॉट बी निकालो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? आई को आई से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया? सिक्स। और आई डॉट आई क्या हो जाता है? वन। तो लिखते नहीं है, याद आया? जे को जे से करो, क्या आ गया? सिक्स। और जे डॉट जे भी क्या हो जाता है? वन। और के डॉट के भी क्या होता है? ठीक है, तो ट्वेंटी। तो आई जे के लिखना है नहीं लिखना है? यानी स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट और स्केलर। इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर है या स्केलर है? ये हो जाएगा कितना? 32। क्योंकि जो हमारा आंसर आया उसमें आई जे के खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये स्केलर है, राइट? ये समझ में आता सबको? ये काम आएगा अभी इस चैप्टर में आगे। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ कंपोनेंट समझते हो तुम लोग? जल्दी से नोट करो भाई। लॉज ऑफ मोशन में कुछ कंफर्टेबल हुए नहीं हुए तुम लोग? काफी कुछ बता दिया मैंने, करो अगर कोई डाउट आ जाए तो मुझसे पूछ लो डाउट। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक इसमें है ना? हाँ, इसमें इसमें आएगा। हो गया, ठीक है। दूसरा मैं कंपोनेंट निकालना सिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने हेडिंग क्या लिखी? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, जिसको मैं कंपोनेंट बोलता हूं उसको बुक क्या कहती है? एक ही बात है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही बात है। ठीक है, कंपोनेंट से आराम से समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने निकाला था यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो अगर वेक्टर ए तुम्हें वो दिख रहा है डायग्राम में, तो मैंने पूछा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? एक ऑसिट। अगर ए का कंपोनेंट निकालना है तो क्या लिखूंगा? एक ऑसिट। बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, ध्यान से देखना। मैंने क्या करा, ध्यान दिया? बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा क्यों करा? क्योंकि ए बी कॉसिटा को मैं क्या लिखना चाहता हूं, ध्यान दो। मैंने बोला कंपोनेंट का मतलब है ए कॉस थीटा, फिर सेकंड स्टेप पे मैंने मैनिपुलेशन करा है बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों करा? जिससे मैं चाहता हूँ ए डॉट बी अपॉन मॉड बी बन जाए। अब एग्जाम में उल्टा पूछ लिया, पूछ लिया कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, क्या लिखूंगा मैं? बी कॉस थीटा। पहले ए का कंपोनेंट था तो ए कॉस थीटा, अब बी का कंपोनेंट है तो बी कॉस थीटा। अब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ? ए से। क्या ऐसा बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। और नोट्स अच्छे बनाओ, एग्जाम में ये नोट्स ही बहुत काम आते हैं। एग्जाम में अगर तुमने इसको यूज करा होगा तो मैं देखा होगा बहुत जल्दी बहुत कुछ तुम्हारा कवर अप हो गया होगा, इसे नोट्स बिल्कुल ढंग से बने होने चाहिए। सबका हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो हमने डॉट प्लॉट निकालना सीख लिया, कंपोनेंट निकालना सीख लिया, राइट? ठीक है, अभी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ देखो, हो गया होता हम? ठीक है, हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं वर्क। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला मुझे पता है एफ डॉट एस, बट ये फॉर्मूला मैं सिर्फ कब लगाऊंगा? जब कॉन्स्टेंट हो। एफ डॉट एस को हम लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। एस का मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूँ? डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं कई बार एफ डॉट डी लिखता हूँ या एफ डॉट एस,
एक ही बात है, इंपॉर्टेंट बात है थीटा। तो अगर थीटा हमारा एक्यूट है तो वर्णन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है नेगेटिव, तो नेगेटिव। अगर थीटा 90 है तो वर्णन से। तो थीटा इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है? बढ़िया। तो अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। इस ब्लॉक का वेट दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन, सही है? Yes. अगर एग्जाम में मैं पूछता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ वर्क डन जीरो हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैं चाहता हूँ वर्क डन जीरो हो तो पॉसिबिलिटी, एंगल क्या कर दो? 90। फोर्स कितना कर दो? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना कर दो? तीन पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है वर्क जीरो करने की। या तो फोर्स ही मत लगाओ, या फोर्स लगा रहे हो बट वॉल पे। अगर वॉल पे फोर्स लगाऊंगा तो कुछ होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो। या तीसरी पॉसिबिलिटी थीटा 90। ठीक है, तुमने नोटिस करा ना, वर्क डन जीरो करने के तीन पॉसिबिलिटी मुझे पता है। या तो एंगल 90 कर दूंगा, या फोर्स नहीं लगाऊंगा, या फोर्स लगाऊंगा बट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वॉल को पुश कर रहा हूँ, या ट्रक को जाके धक्का दे रहा हूँ। कार को धक्का दूंगा तो कार चल जाएगी अगर हैंड ब्रेक नहीं लगा, बट ट्रक तो बहुत भारी होता है, एक पर्सन के धक्का देने से ट्रक नहीं चलेगा। ठीक बात है? Yes. तो जो डायग्राम मैंने बनाया है, क्या इसमें नॉर्मल सबको दिख रहा है? Yes, वेट दिख रहा है एम जी, सही है? एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है? अगर एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी नहीं चलेगी। चलेगी। ठीक बात बोली? अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तब बॉडी चलेगी। किस तरफ? जिधर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। तो कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। अब अगर ध्यान से देखो तो मुझे तो एंगल जीरो दिख रहा है एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, सही है? तो क्या मैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव कह सकता हूँ? देखा सबको? अगर फ्रिक्शन को ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है, तो एंगल मुझे 180 दिख रहा है। देखा तुम लोगों को? तो इसके अलावा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? ठीक है, ध्यान सुनते जाओ। अब मैं चाहता हूँ नॉर्मल को देखो, नॉर्मल कितने एंगल पर है? 90। या एम जी को देखो, तो इन दोनों केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो। तो अगर मैं वर्क डन बाई नॉर्मल पूछूं या वर्क डन बाई एम जी पूछूं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जीरो। इससे एक एग्जांपल मैंने सारे केस बना दिए, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो। हाँ, ईएक्सटी मतलब एक्सटर्नल। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, 5-6 केसेस बना देगा और कहेगा बताओ भाई पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, जीरो वर्क है। और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, ध्यान रखना। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, और मैं कहता हूँ मॉड्यूल सॉल्व करो, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, काफ़ी थॉट इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो टॉपिक वन देखो, क्या मैं टॉपिक वन में दिखा रहा है स्केलर प्रोडक्ट? यस सर। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? मॉड ए मॉड बी कॉस। स्केलर या डॉट एक ही बात है, राइट? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो कहीं ऐसा लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए? यस सर। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, सही? फिर ए डॉट बी प्लस सी का मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद मैंने बताया आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के क्या होता है? एंड आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई। ठीक बात है। उसके बाद हम जब भी ए डॉट बी करते हैं तो ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी एक्स से, मतलब एक्स को एक्स से
वाई को वाई से और जेड को जेड से। ये सारी बातें समझ में आ रही क्या लिखा है? अगर हम ए डॉट ए निकालते हैं, मतलब किसी वेक्टर का खुद से डॉट निकालेंगे, क्या बन जाएगा? ए एक्स एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ए जेड। अगर ए डॉट बी जीरो, इसका एक ही मतलब है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला में क्या पता है? एफ डॉट एस या एफ डॉट डी कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए, ध्यान दिया कॉन्स्टेंट के में ही लगाना, ये गलत हो जाएगा। वैसे भी हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं हमने अभी, बस फॉर्मूला मैंने बता दिया। पावर का फॉर्मूला क्या पता है? एफ डॉट बी, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल वन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पढ़ो देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बोलता है तो मेरे दिमाग में क्या आता है? ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस, सही है, ठीक है। तो एफ डॉट डी करूं कितना आ जाएगा? 15 प्लस 16 माइनस 15। मॉड ए कितना आएगा? मॉड का मतलब अंडर रूट, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? प्लस 25। मॉड होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर, तो प्लस ही हो जाएगा। आया मॉड भी कितना आएगा? 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सही है। 15 से 15 गया, क्या ये 16 बाई 50 हो गया? यस सर। अब हमसे पूछा था थीटा, अब मुझे तो नहीं पता कॉस थीटा कब ऐसा होता है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं इसको लिखूंगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बाय 25, बस ऐसा आंसर लिखूंगा, सही बात है ना, ठीक है। और क्या पूछा है? प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी, मतलब क्या करोगे? बिल्कुल सही है, एफ कॉस थीटा करेंगे, सही है, ठीक है ना। क्या हमें एफ पता है और कॉस थीटा पता है? आ गया आंसर, ठीक है। और क्या पूछा है? वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी जो भी हमने निकाला था 16 है, तो 3 मार्क्स में आता और इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है। यस यस, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। वर्क वाली बात समझ में आई ना? कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए आप लिखो फॉर वेरिएबल फोर्स, जब भी वेरिएबल आता है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, क्या? आइदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरिएबल है मतलब दो होगा, या तो डिफरेंशिएट करूंगा या इंटीग्रेट। तो मैंने बोला वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी, और लिमिट क्या लगाई? एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। इस पे क्वेश्चन ट्राई करें, फोर्स मैंने कितना लिया? 2 प्लस 4 एक्स, एक्स इनिशियल है हमारा 1 मीटर और एक्स फाइनल है 2 मीटर। तो सबसे पहले तो ये देखो, फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कैसे पहचाना? एक्स के बदलने पर फोर्स बदलना है, जैसे अर्थ फोर्स लगाती है एमजी, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वो कांस्टेंट है, वेरी गुड, आया समझ में ना? जो अर्थ फोर्स लगाती है दैट इज कांस्टेंट एमजी। अभी जो फोर्स मैंने लिखा है 2 प्लस 4 एक्स, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? और निकालना चाहता हूं मैं वर्क डन, तब तुम्हारे दिमाग में दो थॉट होना चाहिए, एफ डॉट एस या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? एफ डॉट
डीएक्स, सही बात है। और इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। फाइनली कितनी है? 2 मीटर। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन याद है, क्या लिखूं बताओ? 2x प्लस 4x² / 2। अब लिमिट लगाऊंगा क्या? तो डिफिकल्ट नहीं, बस ध्यान से सुनते जाओ, बाय चांस मान लो तुमको नहीं भी आता तो ध्यान से देखो आ जाएगा। x किया क्या डालने वाला हूं? 2। फिर x से क्या पुट करूंगा मैं? 1। तुम लोग चेक करो तुम लोगों का आंसर कितना आ रहा है, मेरा तो 8 जूल आ रहा है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा या सिमिलर? सिमिलर आएगा। तो मैं रटवा थोड़ी ना हूं कि ये काम करना, बस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेरिएबल्स फोर्स सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही आइडिया आना चाहिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। अब एग्जाम में आ गया एफ इक्वल टू 2 + 4y, तो क्या करोगे? एफ डी वाई करोगे। अगर एग्जाम में आ गया एफ इक्वल 2 + 4z, इंटीग्रेशन एफ डी जेड, ठीक है ना? तो वो सेंस है कि भाई वेरिएबल सुनते ही मेरे दिमाग में इंटीग्रेट आता है, और इंटीग्रेशन का एक ही रूल है जो मुझे पता है, एक्स टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू पावर 5/5। अगर ये पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन है x टू पावर 5/5, ये एकदम दिमाग में क्लियर रखो। और भी बहुत सारे रूल हैं बट मैक्सिमम टाइम इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है? नेक्स्ट डालो वर्क एनर्जी थ्योरम, एग्जाम में श्योर आती है ये। हाँ श्योर, इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैंने? तो मैं कहता हूँ ना टीचर्स के एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, जिस चीज पे बोला जाए ध्यान दो, मतलब ध्यान दो, एग्जाम में तुमको फायदा दिखेगा। तो उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन निकालो, और वो हमेशा किसके इक्वल होगा? k फाइनल माइनस k इनिशियल। ध्यान देना मैंने k फाइनल माइनस k इनिशियल बोला है। चेंज का मतलब हमेशा k फाइनल माइनस k इनिशियल, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना होगा अपने आप आ जाएगा, ठीक है? पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया? यस। डब्ल्यू नेट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी अगर लिख लिया तो आगे बताऊं? yes. अब इसकी डेरिवेशन दो केसेस के लिए डिफाइंड है। पहला केस हमारा, ठीक है, कॉन्स्टेंट फोर्स, और दूसरा हमारा कौन है? तो क्या मैंने वर्क की भी दो फॉर्मूले डिफाइन करें, एफ डॉट एस कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए और इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक बात है? yes, तो कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए अभी तक जितना भी आता है ठीक है, आगे चैप्टर्स पकड़ लो, आज जैसे चैप्टर 6 की पहली क्लास है ना, अब ध्यान से सुनते जाओ, अपने आप क्वेश्चन बनते जाएंगे, बस सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है? तो क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, सबको पता है? yes, sir. और ये सिर्फ तभी लगता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, सबको मैंने m by 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये तो k फाइनल दिख रहा है, mu square by 2 k इनिशियल दिख रहा है, दिखा सबको?
तो क्या ये ऐसा बन गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू एम ए को क्या लिखूंगा, फोर्स डॉट एस, सही बात है ना, एफ डॉट एस को क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क तो सिंपल सी डेरिवेशन है जिसका मैक्सिमम पार्ट तो में आता है, 11 12 में सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे दिमाग उतना जल्दी पकड़ लेता बात को। चलो वेरिएबल्स फोर्स सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, डब्ल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, सही बात है ना, एफ को क्या लिखने वाला हूँ मैं, एम ए, ए को क्या ले सकते हैं, एक्सेशन कोई फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल सही, टी वी बाई डी टी, सही है, ये क्या दिख रहा है हमें, बढ़िया वेलोसिटी, सही बात है ना, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यू, और फाइनल को, अब तुम लोग मेरी हेल्प करो बताओ इंटीग्रेशन क्या लिखूं मैं, डेवी कह रहा है वी को इंटीग्रेट करना है, कोशिश करो बताओ, वी स्क्वायर बाई टू, परफेक्ट, सही बात है ना, अब क्या करूंगा मैं, लिमिट लगाऊंगा, तो एक बार वी की जगह क्या लिखूंगा, वी, नेक्स्ट टाइम वी की जगह क्या लिखूंगा, यू, तो क्या मैं एम वी स्क्वायर बाई टू को के फाइनल कहूंगा और एम यू स्क्वायर बाई टू को, तो क्या फिर से डब्ल्यू आ गया के फाइनल माइनस के नीचे, एग्जाम में कौन सा आएगा, एग्जाम में ही आएगा, कॉन्स्टेंट फोर्स आ गया था तुम्हारी अच्छी किस्मत है, मतलब 90% चांस है कि वेरिएबल फोर्स आता है, और ये इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब कई ऐसे क्वेश्चन देखे जो बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो अगर ये क्लियर हो तो मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा, और सिर्फ ये लिख लेने से या डिराइव कर लेने से बात बन जाएगी या नहीं बनेगी, अभी देखना क्वेश्चन करा, तो तुमको धीमे धीमे अच्छा लगना शुरू होगा, अच्छा इस तरीके से सोचना पड़ता है, और जैसे मुझे बहुत सारी बातें पता है वो सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि प्रैक्टिस करते रहे, सिर्फ इसलिए पता है प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो भूलोगे नहीं, प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे एग्जाम में, याद ही नहीं आएगा इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला, और इंटीग्रेशन के तो बहुत फॉर्मूले होते हैं 50, मैं कहता हूँ एक जरूर याद रखो, वी टू पावर 5 का इंटीग्रेशन वी टू पावर 6/6, जितनी भी पावर ऐड करना है उससे डिवाइड करना, एक फॉर्मूला है जो भूल नहीं सकते, और कोई भूल के कोई बात नहीं, ये नहीं भूलना, ये भूल गए तो गड़बड़ है फिर, ठीक बात बोली मैंने, ट्राई करें, ठीक है, टॉपिक टू देखूं, तुम लोग पास मॉड्यूल है या नहीं है, है तो ठीक है रखो ओपन करके टिक करते जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम से लेके आना, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स, ठीक बात है, चलो एग्जांपल टू ट्राई करेंगे, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला समझ में आया, डब्ल्यू इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट्स इट, ठीक है, अभी एग्जांपल टू नहीं करेंगे, उससे पहले हम करेंगे ठीक है एग्जांपल, ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं चाहता हूं बस तुम लोग पढ़ो ध्यान से, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, ऑड्स, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ रीड करना है, सॉल्व मैं करूं, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, देखो दिमाग में क्या आ रहा है ये बताना है, क्या एक रेन ड्रॉप है मेरे पास, yes, जिसका मास 1 ग्राम गिवन है, yes,
जिसकी हाइट 1 किलोमीटर गिवन है. यस सर. इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर पर. सही. जो भी इंफॉर्मेशन दी मैंने रीड कर ली. मास है 1 ग्राम, हाइट है 1000 मीटर लिख दूं? यस सर. क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किस में लिखूं, एमकेएस में. तो 1 ग्राम को भी मैं क्या लिखना चाहता हूं, 10^-3. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, मैं कुछ पूछूंगा मुझे बताना. ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ के जाना आसान है या थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक सीढ़ियों से उतर के आना आसान है? सबको पता है सीढ़ियां उतरना आसान होता है. ठीक बात है ना. तो अगर कोई मुझसे कहे 9th फ्लोर तक चढ़ के जाओ, तो एक बार में चढ़ पाऊंगा या दो बार में? दो बार में चढ़ जाता हूँ मैं. 3 बार मैं 17th फ्लोर पर गया हूँ, 2-3 बार में, मतलब 2 बार में चढ़ जाता हूँ 11th फ्लोर तक. मैं जा रहता था वो 11th फ्लोर पे मेरा घर था, तो मैं सीढ़ियों के बढ़ जाता था. खाली हाथ हूँ तो सामान है तो लिफ्ट से जाता था. मगर अगर कोई कहे 20 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर चले जाओ, तो आसान है, ज्यादातर लोग चले जाएंगे. सही बात बोली. मतलब स्टेट से वो कवर्ड होती हैं. नहीं, मैं 11th फ्लोर पर रहता था, पता ही नहीं चलता था. 30 फ्लोर पे तक मैं गया हूँ, 30 फ्लोर से देखा है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नीचे से ऊपर जाना आसान काम है, मुश्किल है, थक जाएंगे हम. 3-5 फ्लोर से ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है. अगर मुझे 9th फ्लोर तक जाना है, तो मैंने कहा 2 राउंड में मैं गया हूँ 11th फ्लोर तक, 2 राउंड में. मतलब एक बार गया जल्दी से 4-5 फ्लोर चढ़ गया, फिर थक गया, फिर धीमे धीमे चढ़ा. तो धीमे धीमे चढ़ते तो फिर से एनर्जी आ जाती है क्या थोड़ी देर बाद? करके देखना तुम लोग. अब मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं 40+ हूँ, तुम लोग अभी 20s के भी नहीं हूँ. तो 4-5 फ्लोर चढ़ने के बाद फिर से 1 फ्लोर चढ़ा, फिर से मैं चढ़ गया. तो मैंने ऐसा कराया कई बार कराया एज एक्सरसाइज. अगर खाली हाथ है तो सामान नहीं है, तब सामान है तो फिर नहीं कर सकते, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं अगर कोई कह रहा है कि वापस चले जाओ 11th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, तो बहुत आसान है. इसका मतलब मैं ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज़ नीचे आ रही है तो अर्थ फोर्स किधर लगा रही है, और वो ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, तो एंगल कितना है? तो वर्क डन बाय अर्थ कैसा है? पॉजिटिव. ठीक है, मैं आइडिया क्या दे रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे कोई चीज आ रही है तो वर्क डन बाय अर्थ पॉजिटिव. अब ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर जा रहे हैं तो अर्थ फोर्स किधर लगा रही है? अर्थ हमेशा नीचे लगाती है, और हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर. तो वर्क डन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव. हमारे क्वेश्चन में रेन ड्रॉप कहाँ जा रही है? सही बात है ना. और अर्थ फोर्स किधर लगा रही है? आइडिया समझ में आया क्या बोल रहा था? तो एंगल क्या लेने वाला हूँ? तो वर्क डन बाय अर्थ क्या लिखूंगा मैं? एफ इंटू डी कॉस थीटा. एफ को क्या डालूंगा? एम जी फोर्स. एम जी डिस्प्लेसमेंट कितना डालूंगा? 1000. थीटा कितना डालूंगा? 0. मास कितना था? 1/1000. 1/1000 था ना. तो ये हमने वर्क डन निकाला किसका? अर्थ का. तो अभी तुम्हें कैलकुलेशन पे ध्यान देना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग पे? ठीक, क्वेश्चन से घर पे करना बैठकर. तो फर्स्ट पार्ट आसान था या नहीं था? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ. सेकेंड पार्ट ध्यान से पढ़ो, ये अच्छा पार्ट है. जब रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है तो क्या एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं? तो नॉर्मली अभी तक हमने जहां पर भी पढ़ा है, हमेशा एयर फ्रिक्शन को क्या करा है? निगलेक्ट. पहली बार कह रहा है एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करो. तो जब रेन ड्रॉप गिर रही है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी. ठीक है, अगर पैराशूट लेके हमने एरोप्लेन से जंप कर दिया है तो कॉमन सेंस कहता है कि एयर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? सही बात है ना. ठीक बात है, पैराशूट वाला एग्जांपल लॉजिकल लगा ना. yes. पैराशूट लेके जंप करो, जब ओपन हो जाता तो धीमे 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 हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट. हाँ, पहले तो बहुत तेजी से बढ़ती है, फिर धीमे धीमे कॉन्स्टेंट हो जाती है, एक सर्टेन स्पीड से नीचे आते हैं, जो हमारे लिए डेंजरस नहीं है. मतलब 99.9% चांस है कि हम सर्वाइव कर लेंगे. ठीक बात है ना.
मतलब पैराशूट मोस्ट रिलायबल कह सकते हो कि एरोप्लेन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अब नीचे उतरना तो एक ही तरीका है, पैराशूट लेके जंप करो और कुछ नहीं कर सकते। तो जब पैराशूट में हम लेके जंप करते हैं तो जो एयर होती है वो पैराशूट को एक्सेलरेट करती है या रिटार्ड? रिटार्ड। वैसे रेन ड्रॉप गिर रही, अगर एयर नहीं होती तो ये रेन ड्रॉप्स बुलेट्स की तरह गिरती, ध्यान दिया मेरी बात? तो बिल्डिंग में गिरती, बिल्डिंग में होल हो जाता, सोचो मेरी बात को। तो ये जो एयर है ये बचा रही है क्या हमको? यस सर। रेन ड्रॉप से, नहीं तो रेनिंग हुए जो लोग बाहर थे वो बाहर हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ एग्जाम जो मैं बोलता हूँ सुनते जाओ, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने बोला भाई पैराशूट से लेके जंप करा तो अगर हम नीचे गिर रहे तो एयर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, तभी तो उसको रिटार्ड करता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एयर नहीं होती और रेनिंग हो रही है तो सोचो क्या होता। रेनिंग जो रेन ड्रॉप्स हैं वो तो काफी हाइट से आती हैं, राइट? एयर नहीं है बट ग्रेविटी तो होगी, तो ग्रेविटी रेन ड्रॉप्स को एक्सेलरेट करेगी। तो जब वो रेन ड्रॉप्स बिल्डिंग में गिरेंगी तो बुलेट्स की तरह आएंगी। आई होप समझ में आया। तो बिल्डिंग में गिरेगी, बिल्डिंग में होल हो जाएगा। अगर रेनिंग सडनली हो गई, कोई रोड पर है, समझो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाहूँ, तो हाईली डेंजरस है क्या? yes. मतलब सर्वाइव करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। इसके अलावा फिर रेन से लोग बहुत ज्यादा डरेंगे क्या? सही बात है। इसका मतलब जो एयर है क्या वो रेन ड्रॉप्स को रिटार्ड कर देती है? yes. जब रेन ड्रॉप्स हम तक पहुंचती है बहुत धीमी हो जाती है, उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। मतलब एक धीमी स्पीड से आती है, उसी रेन ड्रॉप को देख करके डिजाइन करा गया पैराशूट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? भाई रेन ड्रॉप्स एक पर्टिकुलर स्पीड से आती है, तो वैसे अगर एरोप्लेन से कोई जंप करता है पैराशूट लेकर, तो जब पैराशूट खुल जाता है तो पैराशूट बहुत तेज नीचे आता है या एक सर्टेन स्पीड से आता है, जिससे हम मोस्टली सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो इसका मतलब जो रेन ड्रॉप है उस पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स था? एमजी। और ऊपर की तरफ कौन था? एयर फोर्स। एयर फोर्स, एयर फ्रिक्शन कह लो, जिसका कोई फॉर्मूला में पता तो वर्क कैसे निकालेंगे? अगर एयर फोर्स का फॉर्मूला पता होता एयर फ्रिक्शन का, तो ये तो मैं एफ डॉट एस लिखता या इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लिखता, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता उसका। तभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात बोली थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने ऐसे देखी हैं जो बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के सॉल्व ही नहीं होती, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के ही सॉल्व होंगी। ये वही प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ रेन ड्रॉप प्रॉब्लम। देखो मैं सारा दोबारा डिस्कस करते हैं, इन्फॉर्मेशन सबके दिमाग में है ना, इस रेन ड्रॉप का मास कितना है? 10^-3 के जी। ये रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, कितना मीटर आ रही है? 1000 मीटर। अर्थ फोर्स किधर लगा रही है? डाउनवर्ड्स, सही। हमने बोला वर्क डन बाय अर्थ क्या होना चाहिए? मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। नोटिस करा मॉड लगाया मैंने, इसका मतलब फोर्स मुझे क्या दिख रहा है? एम जी। अब जी प्लस माइनस नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? मॉड। ध्यान दिया? डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना दिख रहा है? 1000। और डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0। तो कॉस 0 लिख दूंगा। मास को क्या डालूंगा? 1/1000। तो 10 जूल आना चाहिए। इसका मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई चीज नीचे आएगी अर्थ का वक्रन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये तो हमने सीखा यहां पर। अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बताओ भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। तो अगर एग्जाम में पूछता है वर्क डन बाय अर्थ पॉजिटिव है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है? फॉर्मूला क्या बताया पोटेंशियल एनर्जी का? एम जी एच। तो 1000 मीटर से बॉल ग्राउंड पे आ गई या रेन ड्रॉप, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई या कम हो गई? ज्यादा मुझे लगता है कम।
बताओ भाई तुम लोगों को क्या लग रहा है, अर्थ ने अगर पॉजिटिव वर्क करा है तो बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या वर्क पड़ेगा। तुम फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या कम है? नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है कम होती है? कम होती है, काइनेटिक ज्यादा होती है। तो रेन ड्रॉप ऊपर जा रही है नीचे आ रही है? नीचे आ रही है। तो इसका अर्थ ने कैसा वर्क करा? पॉजिटिव। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड बात, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? डब्ल्यू नेट किसके इक्वल है? परफेक्ट। अब W net में मैं क्या लिखने वाला हूँ? W earth plus W air should be K final minus earth का वर्गमूल कितना था? 10। air friction का वर्गमूल कितना है? पता नहीं। K final कितना है? half mv square। K initial कितना है? 0। mass कितना था rain drop का? 1 gram। speed कितनी थी? स्पीड बताई थी 50 मीटर बताइए। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 राइट अपॉन 2 × 1000, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 1.25 माइनस 10। बताओ इसे लिखा मैंने? यस सर। ये मेरे हिसाब से आ जाएगा माइनस 8.75। ध्यान दो, तो कमाल की बात क्या है, तुम्हें एयर फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं पता बट उसका वर्णन पता है। ध्यान दो, लॉजिकली सोचा जाए तो रेन ड्रॉप जा आ रही है नीचे की तरफ और एयर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो एंगल 180 है, तो वर्णन पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव? नेगेटिव आना चाहिए और नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना? लॉजिकल लगा? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो एयर फ्रिक्शन होता है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ध्यान दिया मैंने क्या बोलो? तो अगर एक बॉल को तुम पूरी ताकत से फेंको ऊपर की तरफ तो एयर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। और जब बॉल आएगी नीचे की तरफ तब एयर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैंने बोला एयर फ्रिक्शन हमेशा किस तरफ लगता है? अपोजिट टू वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता बट ये पता है वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो जब हम कार चलाते हैं तो क्या कार पे एयर फ्रिक्शन होता है? मेट्रो पे, एरोप्लेन पे? लॉजिकल लग रहा है? हम चाहते हैं एयर फ्रिक्शन ज्यादा हो या कम हो, इसलिए उसका शेप पॉइंटेड बनाते हैं, एरोडायनेमिक जिसको बोलते हैं। एरोडायनेमिक समझ में आया मैंने क्या बात बोली? अगर प्लेन का शेप देखो आगे से बहुत ही ज्यादा पॉइंटेड होता है क्या? रॉकेट का शेप सोचो, पॉइंटेड। समझ में आ रहा क्यों बोल रहा हूँ? जैसे एयर फ्रिक्शन क्या हो, कम हो, जा पाए। अब तुमने एक रॉकेट बनाया जिसका फ्रंट कैसा है? स्क्वायर शेप। गुड आइडिया है, बैड आइडिया है? सही। एक और आइडिया देता हूँ सुनना, कार का शेप सोचो और ट्रक का शेप सोचो फ्रंट से। मतलब एग्जांपल ऐसी चीज है ना जो फिजिक्स को बहुत सिखाती है। yes. ट्रक का शेप समझ में आया? yes, ट्रक बिल्कुल फ्लैट होता है क्या आगे से? yes, इसका मतलब ट्रक बहुत तेज चलने के लिए बना है या बहुत सामान ले जाने के लिए? लॉजिकल लगा? yes, इसका मतलब ट्रक का मेन काम है स्ट्रेंथ, खूब सारा सामान ले जा सके। स्पीड नहीं कि 200 की स्पीड में ट्रक चला रहे हो, ठीक बात बोली? और कार का काम क्या है? स्पीड। तो फॉर्मूला वन कार को देखो, एरोडायनेमिक बनाते हैं, पॉइंटेड सी बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत लो फ्लोर होती है। लो फ्लोर समझ में आता है क्यों होती है? लो फ्लोर से क्या होता है, कार के टॉपलिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो हम चैप्टर 7 में भी आगे पढ़ेंगे। दो चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली सोचना, कार को स्ट्रेट रोड पे ले जा रहे हैं, अब लेफ्ट टर्न लेना है, अगर कार की स्पीड 30 है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कार की स्पीड 80 है प्रॉब्लम है। मतलब मैं तो महसूस करता हूँ जब चलाता हूँ, दिखता है मुझे। मैंने शायद लास्ट टाइम बाइक वाला एग्जांपल भी दिया था, मैंने वहां पर भी महसूस करा था। तो मैं फ्लाईओवर से आ रहा था, फ्लाईओवर से उतरते टाइम नॉर्मली स्पीड ज्यादा हो जाती है और लेफ्ट टर्न लेना था, तो
बिल्कुल साफ महसूस हुआ कार किधर जाना चाहती है, राइट साइड। तो कार की स्पीड मेरी तब 50 के आसपास रही होगी, 50 या 60, अगर वो 90 के आसपास होती तो समझ में आया, सेंट्रीफ्यूगल मुझे महसूस हुआ बिल्कुल साफ। तो तेज स्पीड पर अगर कार को लेफ्ट टर्न लिया है फ्लाईओवर से उतरते टाइम, तो चांसेस है कि कार पलट जाएगी आउटर साइड में इस तरफ। नहीं, ये समझ में आया ना, इसको ओवर टर्न बोलते हैं। और टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, कार बहुत तेज चला रहे हो तो ब्रेक, बाइक में समझो, बाइक तेज चला रहे हो एकदम से ब्रेक मार दी आगे वाली, तो तुम जमीन पर, बाइक तुम्हारे ऊपर। मुझे नहीं पता क्या बोलते, बट एग्जांपल समझ में आया, बाइक चला रहे हो तभी करना नहीं, डेंजरस होता है, ब्रेक लगा दी आगे वाले व्हील पे, मैंने बोला ब्रेक लगाई, तो अगर आगे वाले व्हील पे ब्रेक मारोगे ना तुम गिर जाओ, पलट जाओगे आगे, तुम जमीन पर तुम्हारे ऊपर बाइक, मैंने बोला। आया समझ में? जो भी कहते हो सेंस समझ में आ गया ना, साइंटिफिकली क्या चीज बोलना चाह रहा है, वो जंप कर देता है अगर एक सर्टेन स्पीड पे है तो जंप करके वापस आ जाओगे, अगर उससे तेज है तो बाइक तुम्हारे ऊपर। तो इस एग्जांपल में तुम्हें ये सीखने को मिलता है कि फ्रिक्शन का हमें फॉर्मूला नहीं पता, एयर फ्रिक्शन का, हमें सॉलिड फ्रिक्शन का फॉर्मूला पता है, म्यूएसएन, एयर फ्रिक्शन हम नहीं जानते कि फॉर्मूला क्या है। बस दो बातें मैंने बताई, पहली बात मुझे पता है एयर फ्रिक्शन की वजह से जो वेलोसिटी है और जो एयर फ्रिक्शन है हमेशा किस डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट, तो एयर फ्रिक्शन की वजह से वक्रन हमेशा नेगेटिव, सोच लो मेरी बात। दूसरी बात, फॉर्मूला नहीं पता बट हम वक्रन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ये समझ में आया हो तब देखना ध्यान से, काइनेमेटिक्स से लिंक करता हूँ इस बात को। एक बॉल को मैंने थ्रो कर दिया तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे भी तो आएगी, सही बात है। अगर ऊपर जाते टाइम 10 सेकंड लगा है तो जब नीचे आएगी तो वैक्यूम में तो 10 सेकंड लगेगा, बट एयर में 10 सेकंड तो नहीं लगेगा। तो आज मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, एयर के साथ। हमेशा मैंने किसके साथ डिस्कस करा है, वैक्यूम, आज एयर के साथ डिस्कस करेंगे। चलो भाई बताओ क्या लगता है, केस वन में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, क्या क्रिकेट वाले प्लेयर्स या फुटबॉल वाले इस फ्रिक्शन का फायदा उठाते हैं? बॉल को इनस्विंग और आउटस्विंग करवाते नहीं करवाते? तो जो बॉल टर्न ओवर ही होती है वैक्यूम में थोड़ी नहीं होगी, तो एयर पे होगी। फुटबॉल में किक मारते बॉल घूम जाती, मारते लेफ्ट में और पोस्ट होता है राइट में जाके हिट होता है वो गोल, तो जो टर्निंग हो रही, समझ पा रहे हो, वो सारा किससे करवाते हैं, एयर फ्रिक्शन। मतलब बिल्कुल साफ तुमको बॉल घूमते हुए दिखाई पड़ेगी, क्रिकेट में फेंकते हैं सीधा निकल जाती है बाहर, तो अगर बैट्समैन ने उस बॉल को नहीं पहचाना आउट स्विंगर है तो स्लिप पे कैच हो जाएगा, वो बैट को टच करते हुए निकल जाती है साइड से, समझ में आया ना क्या बोला। जब तक बॉल बिल्कुल सीधी जा रही होती है और गिरने के बाद एकदम से घूम जाती है, क्रिकेट अगर तुम लोग देखते हो या फुटबॉल देखते हो, फुटबॉल में किक पर अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो तुम्हें देखेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किक मारते हो और बॉल सीधी जा रही होती है एकदम से हमें लेफ्ट घूमना शुरू कर देती है या राइट घूमना शुरू कर देती है, तो अगर पहचानता है कोई तभी पकड़ पाएगा, अगर गोलकीपर पहचान नहीं पाएगा तुमने कौन सी किक मारी है तो फिर नहीं पकड़ पाएंगे। और वो किक बहुत तेज होती है, मतलब अगर हाथ लगा दिया अगला तो हाथ तोड़ देगी, समझ में आया, बहुत पावरफुल किक होती है, फेस पे लग गया इसीलिए हेलमेट पहनते हैं, काफी पावरफुल होती है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे इतना एक्सपर्ट होते हैं, आम पर्सन को किसी को बैठा दो तो शटल जैसे बैडमिंटन की होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, बैडमिंटन की शटल की स्पीड किसी को आइडिया है, 400 के ऊपर, 400 बॉलर फेंकते हैं 150 पे बॉल, 150 किलोमीटर पर आवर, शटल की मैंने क्या बताई 450 के आसपास होती है, हमें नॉर्मल लगता है ना, लाइव देखो तो समझ में आएगा, असर दिखती नहीं है, टीवी में दिखती नहीं है, रिप्ले में देखोगे तब दिखती है क्या चल रहा है, तो इसका मतलब काफी एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं वो लोग। तो जो इनस्विंग आउटस्विंग कराना है वो एयर का फायदा उठाते हैं, एयर स्विंग का फायदा उठाते हैं, मॉइस्चर का फायदा उठाते हैं, किस डायरेक्शन में एयर ब्लो हो रही है उसका फायदा उठाते हैं, तो वो एक्सपीरियंस से आता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने बॉल को वैक्यूम में थ्रो करा तब तो कोई बात नहीं थी, 10 सेकंड ही आंसर आता, ठीक है, बट अगर एयर में है तो ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एमजी कहाँ लग रहा है और फोर्स ड्यू टू एयर फ्रिक्शन डाउनवर्ड, तो रिटार्डेशन ज्यादा है क्या, yes, जल्दी हॉल्ट पे आएगी, पहले ये समझ में आया मैंने हाई रिटार्डेशन का मतलब क्या बोला, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है तो बॉल जल्दी रुकेगी,
इसका अगर ये वैक्यूम होता तो ये 15 सेकंड तक ऊपर जाती। एग्जांपल बोला मैंने 15 सेकंड, फिर से समझो मेरी बात को, अगर वैक्यूम में होता तो बॉल और ज्यादा ऊंची जाती है नहीं जाती, और ज्यादा टाइम लेती मैंने बोला। तो ये जो 10 सेकंड का टाइम ये कहां पे लिया मैंने, एयर में, ठीक है। अब बॉल वापस आ रही है, जब देखते जाओ ध्यान से देखो, जब बॉल नीचे आ रही तो एमजी कहां लग रहा है, और एफ कहां लग रहा है, ऊपर, तो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो नेट फोर्स क्या होगा, सही बात है। और फर्स्ट केस में क्या था, एमजी प्लस एफ ए, जब बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है या कम है कंपेयर टू रिटार्डेशन, बताओ भाई। अगर ए वन ए टू कंपेयर करो तो मुझे तो लगता है ध्यान दो, ए वन ज्यादा ए टू कम। तो जब वापस आ रही है तो टाइम 10 सेकंड लगेगा, 9 लगेगा या 11 लगेगा, बताओ भाई सबको क्या लगता है। अच्छा एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। H इक्वल टू फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, ठीक है। और ये A हमारा A1 है, राइट, ठीक है। सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू यू टी, यू तो जीरो ही होगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ ए टू आना चाहिए, ठीक ठीक है ना। तो क्या टाइम प्रोपोर्शनल टू रूट ए टू है, ठीक बात है। कुछ हाइट ले लें, इसको कंसीडर कर लें, यार रुको मैं इस वाले फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो जीरो। तो मैं अगर अपवर्ड मोशन के लिए लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू, सही बात है, यस। और डाउनवर्ड वाले के लिए क्या लिखूंगा, एस तो सेम ही होगा ना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या यू स्क्वायर इक्वल टू ए वन एस बन गया है ना, और एस की वैल्यू क्या डाल दूं, यू स्क्वायर बाय टू ए टू, सॉरी टू काटना था, तो वेलोसिटी सेम है, बदल गई, लॉजिकली बदल भी जानी चाहिए, है ना। तो जो मेरा वी स्क्वायर है या वी है, क्या वो ऐसा बन गया ए टू बाई ए वन रूट के अंदर इंटू यू। तो इसका मतलब अगर तुमने इसको बॉल को फेंका था 50 मीटर पर सेकंड से, तो लौट के 50 से आएगी या धीमे आएगी, अगर वैक्यूम होता तो 50 से आनी चाहिए, सही बात है। अगर एयर है तो एयर की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हुई मतलब स्पीड कम हो जाएगी, तो गई थी 50 से आएगी किससे, 40 से, तुम्हारे हाथ में। अगर जाने में 10 सेकंड लगा है तो आने में 9 या 11, बताओ भाई, ठीक है सर मैं बात करता हूँ, 9 या 11, 11 सेकंड सोच लो भाई, सब लोग सोचो ना, ध्यान दो, ठीक है। तो लगता है बट टाइम ज्यादा लगेगा, नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसका मतलब जल्दी हॉल्ट पे आएगी बट वापस आने में टाइम ज्यादा लेती। तो एयर फ्रिक्शन में कुछ आइडिया दे दिया मैंने, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्राई योर सेल्फ वन, चलो बेस को करते हैं। पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एफ डॉट पी, तो बताओ मैं क्या लिखूं, मैं लिख रहा हूँ तुम लोग बताते जाओ। आई को किससे करोगे, कितना आ गया, जे को किससे करोगे, जे से, प्लस 15 या जीरो,
अच्छा हाँ ये सर जीरो हो जा रहा है। अच्छा ध्यान से ध्यान से सोच के लिखा गया है ये सर जीरो। और यूनिट क्या है? तो अपनी बुक में आंसर लिख लो, इसका आंसर 8 वाट आना चाहिए। ध्यान दिया, एक में जे था है, दूसरे में के था, गलती हो जाती है एग्जाम में। ठीक है चलो फिर, क्या मैं टॉपिक 3 का आइडिया लिया वर्क? बढ़िया। तो हमने W का फॉर्मूला क्या पढ़ा? F dot T। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? कांस्टेंट फोर्स। फिर हमने क्या ऐसा पढ़ा कि जीरो वर्क कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। जैसे कि मैंने बोला वॉल को पुश करो या ट्रक को पुश करो, अकेले ट्रक नहीं चलेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एक वेट लिफ्टर है जिसने एक वेट को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। तो कितना वर्क डन करा? अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 150 केजी मास स्ट्रेटली ऑन हिज शोल्डर फॉर 30 सेकंड डज नो वर्क। जब वो वेट को लिफ्ट कर रहा है तब तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, पर जब होल्ड कर रखा है तब कोई वर्क नहीं कर रहा। होल्ड समझ में आ रहा ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट जीरो, सेकेंड फोर जीरो। ठीक है, अगर एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैंने उस पर एक ऑब्जेक्ट थ्रो कर दिया, स्मूथ सरफेस है, तो चलता रहेगा रुक जाएगा? चलता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से। स्मूथ सरफेस है, सीधा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, कोई फोर्स ही नहीं लगना। नॉर्मल रिएक्शन और एमजी लग भी रहा है तो उनका वर्क डन जीरो होगा। स्पेस में, अगर स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को मोबाइल को थ्रो कर दो 5 मीटर पर सेकेंड से, चलता रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर वैक्यूम है तब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहीं कोई ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी तब वो बेंड होगा। थर्ड केस, थीटा क्या कर दो 90। ठीक है, इसका एग्जांपल समझ लो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है पुली वाला, चलो भाई इस पुली ने क्या कर रखा है? एक लगेज रखा हुआ है। ठीक है, अब एक पुली अगर ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है, ध्यान रखना स्टेयर्स पे नहीं बोला मैंने, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है? सर। और इस बॉक्स का वेट किस तरफ है? कितना एंगल है? 90। तो अगर एंगल 90 है तो वर्क डन बाय पुली कितना है? जीरो। फिजिक्स के लैंग्वेज में, राइट? नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं कह सकते, तुमने कुछ काम ही नहीं करा, पैसे किस बात के? ठीक है, एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, ध्यान से देखना। एक रोप ली और एक स्ट्रिंग को सर्कल में मूव करवा दिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो क्या टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है और वेलोसिटी किधर है? टेंजेंशियल। जिधर वेलोसिटी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, ठीक लगा? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल पेंडुलम समझते हो? यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ध्यान से देखो, अगर एक स्विंग चल रहा है, स्विंग दिखा, तो स्विंग में जो टेंशन है दिख रहा है? क्या ये टेंशन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा? एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। यस सर। वर्क डन बाय रोप बताओ, तो जीरो, क्योंकि मैंने बोला जो टेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट के कैसा है? परपेंडिकुलर। तो सिंपल पेंडुलम में भी वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा? जीरो। टेंशन नहीं जीरो होगा, टेंशन होगा बट उसका वर्क जीरो। टेंशन का मतलब जो रोप के अंदर फोर्स लग रहा है। तो क्या जीरो फोर्स के एग्जांपल समझ में आ रहे हैं सबको? yes. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है क्या? क्या इन्होंने मून की बात करी है? मून्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज, अज्यूम कर रहा है, ध्यान रखना, yes, अगर परफेक्टली सर्कुलर होगा देन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नो वर्क। मतलब ये सर्कल की बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्कल में जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बीच में एंगल कितना है?
तो वर्क डन सर्कुलर मोशन में कितना होगा? ठीक फ्लाइट और क्लासेस में बैठ के सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा कि हाँ ऐसा हमने कुछ डिस्कस करा था, वो एग्जाम्पल दिमाग में रह जाता है कई बार। और ये डायनेमिक है, मतलब स्टैटिक तरीके से थोड़ी नहीं बताया जा रहा कि लाइन बाय लाइन वही चल रहे, एक टॉपिक उठाया उसके दिमाग में जो भी दिमाग में आया मैंने बोला। जैसे कि ट्रक को धक्का दे रहे हैं, तो अगर एक अकेला पर्सन ट्रक को धक्का देगा तो ट्रक थोड़ी नहीं चलेगा, तो वर्क डन बाय मैन कितना हो गया? जीरो। या वॉल को पुश कर रहा हूँ, कितनी भी ताकत लगा लूँ वॉल थोड़ी नहीं पुश होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल दे दिया कि भाई सिंपल पेंडुलम में हमेशा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे होगा? 90। तो वर्क डन में टेंशन जीरो होगा। ठीक है, अब नोट वन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर थीटा हमारा कैसा है? एक्यूट, 0 से 90 मतलब एक्यूट, तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। और ऑब्ट्यूज है नेगेटिव। ठीक है, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम है और यूनिट है जूल। ठीक है, उसके बाद क्या हमें ऐसा पता है 1 जूल इज 10^-7 जूल? ठीक है, ये नहीं पता, इसको बता देता हूँ ध्यान से, इससे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। केमिस्ट्री में पढ़ा है? मैं जल्दी से बता रहा हूँ सुन लो। अगर एग्जाम में आता है 10 जून, तो इसको ईवी में कैसे बदलोगे? 1.6 × 10^-19 से डिवाइड कर दो। ठीक, अगर एग्जाम में आता है 10 ईवी, इसको जूल में कैसे बदलोगे? बस ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ईवी से जूल में लाना है, ईवी से जूल में लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मतलब 1.6 × 10^-19। जूल से ईवी में लाना है तो डिवाइड। ठीक है, थर्ड है कैलोरी, अगर कैलोरी से जूल में लाना है तो 4.186, जिसको ऑलमोस्ट हम कितना लिख देते हैं 4.4। और अगर जूल से कैलोरी में लाना है तो डिवाइड कर दो। एक बेसिक बात है, बस पता होना चाहिए 1 जूल इज 10^7 अर्ग एंड 1 अर्ग इज 10^-7। 1 जूल इज 10^7 अर्ग एंड 1 अर्ग इज 10^-7 जूल। सही बोला? ठीक, कोई दिक्कत है? 4.2 अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट मैंने बोला 4.186 होता है, बट नॉर्मली बुक्स में हमेशा 4.2 फॉलो करते हैं कैलोरी को जूल मिलाने के लिए। ठीक है, तो क्या हमने कैलोरी की बात कर ली? देखो यहाँ बुक में लिखा हुआ है 4.186, राइट, जिसको मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलेंगे 4.2। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारा घरों में आता है, कहते हैं 1 यूनिट है ना, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं, एक्चुअली वो क्या है 1 किलोवाट आवर, जिसकी वैल्यू में याद होनी चाहिए 3.6 × 10^60। पूछ लेता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा शायद ये। ठीक है, चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इजी है, सिर्फ तुम्हें साइन बताना है। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ रोप। तो बकेट नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, और रोप फोर्स किधर लगा रही है? भाई बकेट कैसे खींचोगे, ऐसे करके खींचोगे या कैसे खींचोगे? ऐसे करके पुली होगी। वर्क डन बाय अ मैन, पुली की बात नहीं करी, मतलब ऐसा है, सिंपल ऐसा कुछ है। ये बकेट है, इसको ऐसे खींच लो, तो टेंशन किधर लग रही है? ऊपर। अब बकेट जा भी कहाँ रही है? ऊपर। कितना एंगल है? जीरो। कैसा वर्क होना चाहिए? सही बात है। सेकंड, बकेट कहाँ जा रही है? ऊपर। अर्थ फोर्स कहाँ लगा रही है? नीचे। सही है।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन. अगर बॉडी स्लाइड हो रही है नीचे तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है भाई? अगर बॉडी नीचे स्लाइड हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? ऊपर. कितने एंगल पे? कैसा वर्क? नेक्स्ट है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. चलो भाई ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों चल रही है? हाँ क्यों चल रही है? क्योंकि जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है उतना ही फोर्स लगा दिया क्या मैंने? यस सर. क्वेश्चन में पूछा क्या है? वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स. क्या लगता है पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे तो एंगल जीरो दिख रहा है. अगर इसी केस में फ्रिक्शन का पूछता तो नेगेटिव, नॉर्मल का पूछता तो जीरो, अर्थ का पूछता जीरो. नेक्स्ट पूछा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि अर्थ मतलब वेट की बात कर रहा हूं मैं, है ना. नेक्स्ट कह रहा है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, तो अगर एक पेंडुलम को पुश कर दो एयर में, चलता रहेगा रुक जाएगा? बच्चे को झूले में बैठा के धक्का दे दो, एक मिनट बाद या दो मिनट बाद रुक जाता झूला. तो रेजिस्टिव फोर्स की मैंने एक प्रॉपर्टी आज बताई है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी, ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल कितना दिख रहा है मुझे? 180. कैसा वर्क होना चाहिए? समझ गया लगा? आया समझ में सबको? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस तुमको आइडिया होना चाहिए एंगल देखने का. ठीक है, तब ऊपर वाले क्वेश्चन करते हैं. हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 कर लिया था, अब 2 करेंगे. एग्जाम्पल 2 करेंगे. हाँ वही करेंगे, अब करेंगे, अब कर लोगे. सब लोग पढ़ो, मैं करके दिखाता हूँ. अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of this on a table with coefficient of friction this. ठीक है, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तुम लोग मुझे इन्फॉर्मेशन बताते जाओ. ब्लॉक का मास कितना था? 2 kg. फोर्स कितना लगाया था हमने? 7 newton. नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? mg. अगर बॉडी मूव कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक. जिसका म्यू के कितना था? 0.1 इनटू एन कितना था? 2g. क्या 2 newton आ जाएगा? यस. हम मुझी को 10 ले रहे हैं, राइट? यस सर. ठीक है, तो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? करेगी. बताओ भाई. यस सर. फ्रिक्शन है 2 newton. यस. और हमने कितना लगाया? 7 newton. बॉडी मूव करेगी. कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेट होगी? एक्सेलरेट. कैसे निकालूंगा एक्सेलरेशन? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू एम ए, तो 2.5 आ जाएगा. यस सर. सही बात है. ठीक है, तो मैंने ये देखा कि भाई इस बॉडी पे एक्सेलरेशन कितना है. और क्या कह रहे हैं? कंप्यूट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 seconds. ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल. मुझे तो कांस्टेंट लग रहा है. वेरिएबल क्यों है? तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालें. यस सर. यूटी प्लस हाफ इट इज. ए कितना है? 2.5. और टाइम कितना बोला था? 10 seconds. 125 आ जाएगा क्या? ठीक. वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा? एफ डी कॉस थीटा. एफ कितना दिख रहा है तुम लोगों को? 7. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 125. थीटा कितना है? 0. कितना आ जाएगा? ठीक बात है ना. अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालता तब क्या लिखता? एफ डी कॉस थीटा.
सही बात है ना, माइनस 250 तो नहीं आ जाएगा है ना। अगर इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय नॉर्मल निकालता तब क्या आता, जीरो आता ना, वर्क डन बाय वेट निकालता जीरो होता। मैंने एक आइडिया दिया राइट, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, सेकंड था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो भी आ गया। थर्ड कह रहा है वर्क डन बाय नेट फोर्स, इस बार निकाल रहा हूँ वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना था, 7 - 2, ध्यान दो तुमने लगाया 7, फ्रिक्शन कितना है 2, तो नेट फोर्स कितना है 7 - 2, 5, कितना डिस्प्लेसमेंट है 125, एंगल मुझे 0 दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ लर्निंग है, देखते जाना, ये समझ में आया? यस, ठीक है। डी पार्ट में क्या पूछा है, चेंज इन काइनेटिक इन 10 सेकंड। मैं पहले सॉल्व कर लूं फिर देख लेना। v स्क्वायर किसके इक्वल था, u कितना था 0, a कितना आया था 5, और s था 125, कितना आ जाएगा ये 625, ठीक है ना, सही है। k फाइनल माइनस k इनिशियल निकाल ले हम लोग, 25 होता है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बॉडी का मास कितना था, 2 kg, वी स्क्वायर कितना था, यू स्क्वायर कितना था, 0, सही। तो तुम लोग ध्यान दो, k फाइनल माइनस k इनिशियल कितना आया है, और वर्क डन बाई नेट फोर्स कितना आया था, तो क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ कह रहा है? Yes, sir. जो डब्ल्यू नेट है वो डेल्टा के इक्वल होना चाहिए। तो मैथमेटिकली भी हमने करके देख लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो बोला था क्या, इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। तो इंटरप्रेट में क्या लिखेंगे, डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, सही है। फाइंड नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या चीज है, डेल्टा के ही तो पूछ रहा है। हमने जो निकाला था वो वर्क डन बाय नेट फोर्स था, और ये नेट वर्क डन, हालांकि सॉल्व करके एक ही चीज है, पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको नोट कर लो। एक है नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है ना, इसका जितने भी फोर्सेस है सबका वर्क डन निकाल के ऐड कर दो। और एक है डब्ल्यू नेट, डब्ल्यू नेट पे हम एफ नेट इनटू डी कह सकते हैं, हालांकि दोनों सेंसर सेम ही आए। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, देखते जाना बुक को। ठीक है, एग्जाम्पल 5 पे होमवर्क, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या मैं फोर्स दिया हुआ है, अब मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं ही करके दिखा देता हूँ, तुम लोग पढ़ो देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 meter अलोंग जेड एक्सिस, तो 4k का वर्क पता है, वर्क का दो फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन वाला या कांस्टेंट वाला कैसे पहचाना, क्योंकि फोर्स कैसा है, फोर्स कांस्टेंट है क्या, इसलिए कांस्टेंट वाला लगाया। एफ डॉट डी कर दो तो k को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 आ जाएगा। एग्जाम में बहुत आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही कैच है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 4 आई कैप जे कैप या के कैप, बस वो पहचानना था। तो यहाँ पे बोला है 4 meter अलोंग जेड, तो 4k कैप, बस हो गया। फिर क्या हमने
नहीं अभी ये नहीं पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि बॉडी क्या है? मोशन है। ठीक, स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। यूनिट क्या है? जूल। ठीक, फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कौन है? वेलोसिटी वी या स्पीड? स्पीड है, ये ध्यान देना। ठीक है, वी स्क्वायर में वी मैंने क्या लिखा है? स्पीड। ये फॉर्मूला सबको आता है? यस, बट एग्जाम में नहीं आता। ध्यान देना मैंने क्या बोला, एग्जाम में क्या आता है वो देख लो। मैंने क्या करा, m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? क्या ये mv होल स्क्वायर बन गया? यस सर, ये आता है एग्जाम में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दूसरा मैंने क्या बना दिया, p स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को मैंने टिक करा, इसका मतलब ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। और मोमेंटम मैंने किसके लिए लिखा था? mv के लिए, राइट। सेकेंड फॉर्मूला एग्जाम में आता है, ध्यान देना। एक इंपॉर्टेंट बात है, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान दिया, ऑलवेज पॉजिटिव। इस पे क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी को मना करा स्पेशली मैंने, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो छोटी छोटी बातें बताई जा रही है क्वेश्चन में काम आती है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी तक देखना मैंने काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले बताए। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या बताया था? एग्जाम में ग्राफ भी पूछ सकता है क्या? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी का ग्राफ, क्या लगता है कैसा ग्राफ बनना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है और स्पीड की पावर कितनी है? 2। स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? पैराबोला पढ़ाया कभी? पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन होती है एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की पावर 2, जिसकी पावर 1 उसके अबाउट बन जाएगा, उसके अबाउट यू बनाना है। ध्यान देना मैंने इसको डॉटेड करा है क्या, मतलब पैराबोला ऐसा बनना चाहिए, बनाया क्यों नहीं? क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पी स्क्वायर बाय 2m, इसका ग्राफ भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो फिर से p की पावर 2 है और ke की पावर कितनी है, ऐसे बनेगा, लेफ्ट वाला बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने डॉटेड बता दिया आइडिया के लिए। ठीक है, क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ एम वी इंटू वी कह सकता हूँ? हाफ एम वी क्या बन गया? वी। है ना, तीन फॉर्मूले बन गए, ध्यान दो, हाफ एम वी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय 2m एंड हाफ पी। जिसमें सबसे काम का कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड वाला, सेकंड वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मैंने कहा हाफ एम वी स्क्वायर सबको आता है बट एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में सेकंड वाला आता है।
अगर थोड़ा ध्यान दो तो इस फॉर्मूले को मैं और मैनिपुलेट कर सकता हूँ क्या? ऐसे भी कह सकता हूँ अंडर रूट टू एम के ई, देखना इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे अगर ये नोट कर लिया हो तब। ठीक है, कोशिश करो भाई चैप्टर की शुरुआत की क्लास को जरूर ध्यान सुनो क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आगे काम आएंगे क्या? यस सर, सब जगह वो आगे काम आते रहेंगे। ये क्लास इसलिए मैं रिकॉर्ड करते हैं कि मान लो कोई पॉइंट तुम भूल गए या नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देख लो, वहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, आई होप सबको ये फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के तीन फॉर्मूले, हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई टू एम एंड हाफ पी वी। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद हो, पी स्क्वायर बाई टू एम। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी इसके अंदर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन बता दी। ये थर्ड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लगाना, पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जाम्पल सिक्स आसान है, होमवर्क के मार्क करोगे, खुद से करना आसान है। जो अच्छा क्वेश्चन है मैं करवाता हूँ। ठीक है, टॉपिक फाइव हमने कर लिया, वर्डन बाय वेरिएबल फूड। सिर्फ क्या करना है, दिमाग में रखना इंटीग्रेशन। अब मैं चाहता हूँ एक पॉइंट नोट में डाल लो, एरिया ऑफ fx graph gives border। ठीक है, अगर तुम्हें कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आता है तो इसका एरिया क्या देगा? तो वर्कडन में साइन लेना है नहीं लेना? लेना है। तो ऊपर वाले वर्क को मैंने कैसा साइन दिया है? पॉजिटिव। और नीचे वाले को? तो W1 एरिया कैसे निकालूं? लेंथ इनटू ब्रेथ, सही बात है ना। W2 का एरिया कैसे निकालूं? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? सिक्स। और हाइट कितनी है? -20 या -20? मतलब साइन लेना है नहीं लेना? साइन लेना है, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया? विद साइन, यानी एरिया में साइन कंसीडर करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, बस हो गया हमारा, बस देख लो मैंने क्या करा दिया है। हो गया, अब देख लो जो तुम्हें घर पे ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जांपल से मैंने होमवर्क के मार्क करो, वो फ्रिक्शन वाली थी, वर्क वाली ट्राई करके आना। चैप्टर सिक्स मार्क करो भाई, सब लोग सबको ट्राई करके आना है। एट इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाइन ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ देखते जाओ बस। क्या मैंने वेरिएबल फोर्स भी बता दिया है? यस सर। बढ़िया, एग्जांपल टेन भी क्या आज हमने डिस्कस करा है, रेन ड्रॉप वाला। यस सर। तो होमवर्क मार करो, सिमिलर क्वेश्चन है। इलेवेंथ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ट्राई करके आना, अदरवाइज फिर तुम्हें अगली क्लास में कंफ्यूजन होगी, ट्राई करके जरूर आना। ट्वेल्थ बस याद करके आना, ट्वेल्थ तक।